हेलो फ्रेंड्स, ये मेरी एक्रेलिक कलर्स की बॉटल्स ख़त्म हो चुकी हैं और लगभग थोड़ा थोड़ा नीचे हैं जो कि सूख चुकी हैं। वी वेन स्प्लैश चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, अक्सर हमारी ये बॉटल्स जो होती हैं, हम इन्हें यूज़ करने के बाद जब कलर ख़त्म हो जाता है तो फेंक देते हैं, या कभी ऐसा होता है बहुत दिनों तक रखी रहती हैं और हमारा कलर बिल्कुल सूख जाता है, नीचे थोड़ा बचा हुआ होता है। तो हमें इन्हें अब से बिल्कुल फेंकना नहीं है। हमें करना क्या है कि गर्म पानी करना है बाउल्स में और उसमें सारी बॉटल्स आपको डाल देनी है, ये कैप्स भी डाल देने हैं। कैप्स का भी हम रीयूज़ करेंगे अपने क्राफ्ट के काम में, क्योंकि हम लोगों का तो काम ही है कबाड़ से जुगाड़ करना। तो इतनी महंगी कलर्स की बॉटल्स हम यूं ही नहीं फेंक सकते, इनका कुछ ना कुछ तो हमें रीयूज़ करना ही है। तो बस आप इन्हें 15 मिनट तक सोक करने के बाद हल्के हल्के से ब्रश से या फिर किसी टूल्स की मदद से आप अंदर का कलर बिल्कुल साफ़ कर दें। ऊपर का लेबल ऐसे ही आप नेल से ही खुरच देंगे तो ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। देखिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कलर की बॉटल्स हो गई हमारी और बिल्कुल क्लीन हो गई। एक बार ये पानी फेंकेंगे और एक साफ़ पानी भरेंगे और फिर से इन्हें हम एक बार वॉश कर लेंगे अच्छे से। तो बस देखिए, इस तरह से कुछ हमारी बॉटल्स बिल्कुल क्लीन हो जाएंगी और हम इसमें कुछ भी अपनी क्रिएटिविटी कर सकते हैं। इनमें पेंट करके हम छोटे छोटे से प्लांट्स भी लगा सकते हैं, आर्टिफिशियल प्लांट्स लगा सकते हैं, या कुछ भी स्माइली कार्टून्स इमोजीज का हम इसमें पेंट करके इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो हमारी ये बॉटल्स सूखने के बाद बिल्कुल रेडी हो जाएंगी कुछ यूनिक क्रिएटिविटी के लिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में एक आपसे शेयर करूंगी मैंने इसके साथ क्या किया। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट जरूर करना, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। हैप्पी क्रिएटिविटी, हैप्पी गार्डनिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।